बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो में खुश आमदेद दोस्तों। पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर तैयारा जिसमें पेरिस में होने वाले 7 रोज़ा 53वें पैनोरामा एयर शो की इफ्तिताही तकरीब में अपनी कारकर्दगी का शानदार मुजाहरा पेश कर रहा है। उन्हीं मुजाहरों में JF-17 थंडर तैयारे ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है जो दुनिया के किसी भी जहाज़ के पास मौजूद नहीं है। वीडियो की तफसील जाने से पहले आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एंटरटेनमेंट देख रहे हैं और आपको इसमें ये बताएंगे कि आज ये रिकॉर्ड जो बना है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी जो मिली ये भारत के राफेल तैयारे के मुकाबले पर ये बहुत बड़ी बर्तरिया में मिली है। और JF-17 तैयारी 229 किलोमीटर की उल्टी प्रवास करते राफेल तैयारे को पीछे छोड़ दिया। राफेल तैयारा 188 किलोमीटर की उल्टी प्रवास कर सका। पेरिस एयर शो में JF-17 थंडर तैयारी के कारनामों का सिलसिला जारी है। शान पाकिस्तान JF-17 थंडर का एक और ज़बरदस्त कारनामा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 थंडर ने राफेल तैयारे पर इसके घर में बढ़तरी साबित कर दी। पाक फजाई की पहचान JF-17 थंडर ने 229 किलोमीटर उल्टी प्रवास करते हुए राफेल को पीछे छोड़ दिया दोस्तों। जबकि राफेल तैयारा 188 किलोमीटर उल्टी प्रवास के बाद अपना स्टेमिना खो बैठा और जाम JF-17 थंडर को जारी रखते हुए जैनों का रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है दोस्तों। पेरिस के होने वाले शो के दौरान पाकिस्तान और चीन की तरफ से तैयार करदा कम कीमत पर जदीद जंगी तैयार JF-17 थंडर ने खूब धूम मचाई। एयर शो के दौरान कई मुल्क के दिफाई माहरीन ने पाकिस्तान और चीन की जानिब से कम कीमत पर जदीद तैयार बनाने वाले हालात का इजहार किया। और दोस्तों पेरिस एयर शो में राफेल तैयारे को मात देने वाले विंग कमांडर जीशान बरियार को पूरी कौम की जानिब से मुबारक। ये वही राफेल तैयारा है 27 फरवरी को पाकिस्तान से मार खाने के बाद मोदी को जिसकी कमी महसूस हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी शाइनों ने साबित किया कि तैयारा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उसे कौन ऑपरेट कर रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारे पर पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तानी थंडर ने भारतीय राफेल को शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस शो में पाकिस्तानी एयरफोर्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है दोस्तों। पेरिस एयर शो में भारतीय जदी गांधी ने 188 किलोमीटर उल्टी परवास बनाकर उल्टा रिकॉर्ड बनाया। जैसे भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया, पाकिस्तान एयरफोर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की एक बार फिर किस्मत ख़राब थी क्योंकि एयर शो में पाक फिजाइए के शाहीन ने चैलेंज कबूल किया और भारत का ये गौरव खाक में मिलाया। पाकिस्तानी पायलट विंग कमांडर जीशान बरियार ने JF-17 थंडर तैयारे को 229 किलोमीटर तक उल्टा उड़ाकर नाकाबिले शिकस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत की बोलती बंद कर दी, जिसे भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया दोस्तों। याद रहे कि सिंगल इंजन वाले जहाज़ की सबसे ख़तरनाक परवाज़ समझी जाती है और थी तभी इस परवाज़ का आज तक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था जिस पर भारत ने उसका फ़ायदा उठाना चाहा। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। और आपको याद बताते चले कि पेरिस में जारी एयर शो के दौरान पाकिस्तान के JF-17 की खरीदारी में अब दुनिया के दूसरे मुल्क भी इसमें दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि तैयारा इंदे कम कीमत हल्का और हर तरह के मौसम और हालात में दुश्मन पर अटैक करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरी दुनिया के जदीद तरीन तैयारों में शुमार होता है दोस्तों। पाक फजाइया में अनकरी JF-17 थंडर Block 3 शामिल होने जा रहा है। ये तैयारा अब तक सबसे जदीद तरीन 4.5 जनरेशन का पाकिस्तानी तैयारा होगा। इस तैयारे को जदीद एयर फ्रेम के अलावा जदीद हिफाजती निज़ाम और नई जनरेशन के निज़ामों से लैस किया जाएगा। तैयारों के फायर करने वाले जदीद मिसाइल बना रहे हैं और ये मिसाइल जनामरी की सख्त मिसाइलों को देखकर बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल आने वाले नए जनाद तैयारों में नष्ट कर रहा है ताकि पाक फजाई को जदीद हथियारों से लैस किया जा सके और मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली बनाई जा सके। ये तो पाकिस्तान के पास नई जनरेशन के बेशुमार मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन एक मिसाइल जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो फिजा से फिजा में मार करता है ये चीनी साख्ता मिसाइल है। ये मिसाइल PI-12 इसका अगला वर्जन PL-15 है और इस मिसाइल को चीन ने अपने जदीद तैयारों के लिए बनाया है। कुछ अर्सा का पहले इस मिसाइल को चीन ने JF-16 तैयार से फायर करके कामयाब तजर्बा किया था, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने अमरीकी तैयारों के लिए इस मिसाइल को एक बड़ा ख़तरा करार दे दिया था, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। चीन के बनाए हुए PL-15 को बेहतरीन रडार सीकर
और गोल प्लेट रॉकेट मोटर हर तरह के फिजाई टारगेट के लिए संगीन खतरा बनाते हैं। ये मिसाइल अपनी ताकतवर रॉकेट मोटर की वजह से लंबे फासले तक मार्क 4 की रफ्तार से परवाज कर सकता है। इस मिसाइल का गाइडेंस स्पेसिफिक डुअल मोड AES सीकर और जाम होने से बचने के निज़ाम में मौजूद होगा। इसके अलावा ये मिसाइल लॉन्च होने से पहले हदफ की मालूमात और ऑल इख्तियारों के अलावा पहले हदफ की मालूमात और इख्तियारों के अलावा ज़मीन में मौजूद रडारों सेटेलाइट से भी ले सकता है। PL-15 मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी IIR की सहूलत भी हदफ की यकीनी निशाने की जमानत है। दुश्मन के हदफ तक पहुँचने के लिए और दुश्मन का कोई भी हिफाजी निज़ाम नहीं रोक सकता। दोस्तों, पाक फजाई के आला अहदेदार इस मदद की तस्दीक कर चुके हैं कि JF-17 Block 3 के लिए सबसे ज़्यादा जदीद मिसाइल लगाए जाएंगे जिनमें कम फासले से लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल शामिल होंगे। पाकिस्तान के एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ ने 2 अल्फाज में इंतबाह किया है कि वो भी मुल्क हमारे मुल्क में जारियत ना करें। पाक फजाई पूरी तरह से हर हमलावर को तहस नहस करने की हमारी जंगी काबिलियत सलाहियतों का इंडिया को भी अंदाज़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे एयरफोर्स भारत से किसी तरह भी कम नहीं है, अमेरिका के मुकाबले एक दर्जा कम है। एक दुश्मन को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। पाक फजाई मुल्क के दिफा का रोल पूरे मुसलमान इरादे और ताकत से कर दिखाएगी। पाक फजाई अमत ने देखा दिफा करेगी, मगर किसी दुश्मन की फजाइया ने पाकिस्तान की रमैली आँख से देखा कोशिश करी तो उसकी अगली नस्लें याद रखेंगी। और मजीद कहना था कि इंडिया का कोना कोना पाकिस्तान और किक मिसाइलों के निशानों पर है। सुपर पावर मिडल ईस्ट में दरअंदाजी मुदाखलत करती है। हम पाकिस्तान में से ज़मीनी फ़िज़ाई मुदाखलत भारत को भारत सुपर पावर पर नहीं सोच सकते। हम पहाड़ों के दरमियान की वादियों और बेद बुलंदियों पर दुश्मन के हमलावर तैयारों की परखचे उड़ाने की सलाहियत के हामिल हैं। 27 फरवरी को भारतीय तैयारों को मार गिराने के बाद JF-17 थंडर की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये पैदावार पाकिस्तान के लिए किसी जरिए मुबादला का बाइस बनेगा। आखिर में सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी पायलट विंग कमांडर निशान बरियार को और वतन के उन तमाम बेटों को जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। वीडियो को बारे में अपनी कीमती लगे तो कमेंट बॉक्स में नाम मत बोलिए। चैनल वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलिएगा। अपनी तौर पर याद रखिएगा।